आगता नो आतिये जाचावे ए बनैया जाई दा मारे लो। बढ़िया सा गानी है। तू इन्ना बोलो तू है केंडा सा ओ तू है केंडा सा आ सो तो दिए देख। हेलो जी नमस्ते, आपकी दोस्त हो चुकी है रेडी। दरअसल आज हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा घर का काम चला था हमारा, तो आज हम लोग फिनिशिंग करने वाले हैं अपनी किचन की, तो टॉयलेट टूलेट वगैरह ये वो सो लेने जा रहे हैं। तो पापा ने कहा कि चलो ठीक है चलते हैं, मैं भी फ्री हूँ और मैंने अभी दादी को नहलाया है और दादी को नहला धुला के हम लोग निकल रहे हैं अभी मार्केट की तरफ। वहाँ से हम लोग टाइलें टूले देखेंगे कैसी है, कैसी कलर के लाते हैं, तो वहाँ से हम लोग टाइलें वगैरह उठाएंगे। एंड ये दादी है यहाँ पे। दादी हेलो करो। दादी हेलो। हेलो दादी कैंडा सा बढ़िया सा गानी है। तू इन्ना बोलो तू है कैंडा सा ओ तू है कैंडा सा आ सो तो दिए देख आप रे तू है कैंडा सी बुढ़ी बुढ़ी हो गई। कैसा कहना लगा लगता बढ़िया। तो दादी काफी ज्यादा फनी। दादी एक राग सुना वाला, एक राग तो सुना, कोई राग सुना वाला कोई अच्छा से। आई एम विश रोना ने भी महादेव रे सुना महादेव ने ओ महा बोला देव रे ये सानी है देव ते बजा चावे चलू ओ मा देवरी सानिए आगे तनो आतिए जाचावे ए बनैया जाई दा मारे लो ओ मा देवरी सानिए। वाओ ये देखा आपने, दादी कितना अच्छा गाना गाती है। मतलब अपने टाइम में दादी काफी अच्छी मतलब सिंगर होया करती थी। क्या गाना कोई दादी बुढ़िया जी मैं कौन कोई बुढ़ी थे दादी आज जवान था ये लो है जवान कितने वो बाल बच्चा दूती आ गया ना है दूई दा गुआ हुए और ये सब बता दी एक उजे एक ओके दूई ती ते सास के कोना जी ते तू नसे नकी जो आसर खास खास न ते उस दिन सास शानदार तेरा ख्या प्या से मस्त दारू खुश सा खुश सा खुश सा ना ते परिवार है मेरा और क्या लोड़ी। अच्छा और कुछ नहीं परिवार हुआ था चाय भी देनी रोटी भी देनी कपड़े भी धोने नहाने और नहीं कुछ परिवार नहीं होता तब क्या करना। मेरी बॉबी थी शाहूकान तेरे की थे नहीं फिर तब से भी बहन के लिया तेरे से बा सारी जिमी जामी लोटी थे मां दादी तो कही थी। चल चलो दादी चाय पी लो पति होती है गानी है अब वो थोड़ी ठंडी ऐसा है कि अभी मैं कर रही हूँ अपने पापा का इंतजार और दादी गाना गा रही। अभी ऐसा है कि मैं अपने पापा का इंतजार कर रही हूँ। दरअसल उनके वहाँ थोड़ा सा ग्राहक आए हैं, उसके बाद हम देखिए थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले हैं। तो तू तैयार हो जाए। मैं तो तैयार हो चुकी हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ दादी को थोड़ी सी चाय वगैरह बना के दे देते हैं, देन उसके बाद हम जाएंगे फिर देखते हैं हम क्या टाइले कैसे कलर की लाते क्या डाले। अभी मार्केट जाएंगे हम लोग, तो अभी पापा का ही वेट हो रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी हम लोग निकल रहे थे मार्केट की तरफ, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ हमारे कृष्णा दोस्त मिले हमें। कैसा महसूस हो रहा है आज हम कितने एक डायलॉग महसूस हो रहा है आपके साथ काफी समय के बाद मिले। प्लीज इसे इस वाले को आप अपने यूट्यूब में जरूर डालें। बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल ना काटें, इसका मतलब होता है कि इसको बहुत अच्छी थोड़ी उल्टी है ना। बाय बाय कृष्णा। बैठ चुके हैं गाड़ी में और अभी हम लोग निकल रहे हैं मार्केट की तरफ। अभी दरअसल आज हमारे गांव में फंक्शन भी है, गांव में भैया है उनके बेबी हुआ है, तो आज फंक्शन में भी जाना होगा। शायद पता नहीं मैं जा पाऊंगी या ना जा पाऊंगी, अगर जाएंगे तो ज़रूर आपको भी दिखाएंगी कैसे फंक्शन होते हैं। बाय पापा
रहता तो हम आगे से ले लेंगे, अगर यहीं पर ही सही रहता तो फिर यहीं से ही उठा लेंगे सामान। तो अभी चलो आगे भी नेक्स्ट दुकानों में भी देखते हैं कि वहाँ पर क्या रेट चला है, टाइलों का, मार्बल्स का, ग्रेनाइट्स का क्या रेट चला है। तो अभी हम लोग पहुँचे यहाँ पर और देखते हैं ज़रा यहाँ पर किस तरीके का ग्रेनाइट है, टाइल्स है, देखते हैं। वैसे तो यहाँ पर लॉट्स ऑफ टाइल्स है, नहीं आ रहा है क्या ले क्या नहीं, बट चलो देखते हैं बेस्ट कहाँ पर रहता है। बात नहीं बनी यहाँ पर भी, कुछ ज्यादा ही रेट बता रहे हैं, हाई लेवल हाई रेट है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं वापस, एक और जगह भी है वहाँ पर देखते हैं, अगर वहाँ पर बनता है रेट तो ठीक है। यहाँ पर एक पत्थर गिरा हुआ है, माय गॉड, ध्यान से जाना पड़ता है। हिमाचल जितना खूबसूरत है उतना ही थोड़ा सा हमें सोच समझ कर निकलना पड़ता है रोड साइड में, रोड की जगह में थोड़ा सोच समझ कर निकलना पड़ता है। अभी हम लोग निकल रहे हैं फिर से वापस, अभी दो तीन जगह गए बट वहाँ पर कुछ रेट नहीं बैठा और काफ़ी ज़्यादा महंगा बता रहे थे, बट जहाँ पर हम पहले गए थे वहाँ पर उन्होंने रेट बिल्कुल सही लगा, मतलब हमारे को, और टाइलें भी वहाँ ज़्यादा मुझे पसंद आई। तो अभी देखते हैं वहीं पर लेते हैं। अभी हम स्टोर में पहुंचे हैं यहाँ पे, तो हमने फाइनल कर दी है वही वाली टाइल्स, मुझे अच्छी लगी वो वाली, एंड सोवर सा कलर था तो वही फाइनल हो चुका है। तो चलो देखते हैं अब लग के कैसा लगेगा किचन, वो तो आपको अब बाद में ही पता चलेगा, अभी वो तो बाद में ही पता चलेगा कि लग के कैसा लगेगा किचन। तो वो अच्छा, लेट्स गो। तो हमारा आ चुका है, आप देख सकते हो सारी जो टाइलें वगैरह उतार दी है। सो अभी भूख भी बड़ी जोर की लगी थी, जबकि हमारे गांव में तो है कौन ना, फंक्शन तो है बट खाना पता नहीं कब मिलेगा, बट मुझे बहुत ही तेज़ी से भूख लग रही है तो मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया। अभी देखते हैं लंच करने शायद हम लोग बाहर ही जाएंगे भाई, चलो चलते हैं। अभी मैं उनका ही वेट कर रही हूँ, पहले अपना काम को सारा निपटा दिया, अभी मैं बस उनका ही वेट करूँ, अपने दोस्तों का जैसे ही आते वैसे ही हम लोग मेरा जो है वो आज बाहर ही बनेगा। फाइनली अभी हम लोग पहुँचे हैं जहाँ पर फंक्शन है, तो हमारी दोस्त कृष्णा बताएगी कि क्या फंक्शन और क्यों होता है ये फंक्शन, जरा बताओ। जब नया बेबी होता है, न्यू बॉर्न बेबी जब होता है तेसास के कोना जीते तू नोसे नकी जुर आसर खास खास ना ते उस दिन सस शानदार तेरा ख्या प्या सी मस्त दारू मस्त दारू बैंड करना स्कार चिकन चिकन बराबर चलता है। अभी भी चलो चलते हैं, थोड़ा सा आपको बेबी बच्चों से क्या थोड़ा सा आपको दिखा दे अंदर क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उन्होंने मुझे लॉटरी काटने के लिए बताया, तो चलो मतलब लॉटरी काटने के लिए टिकट्स दिए अपने ही गांव के, आई मीन अपने ही देवता शांडिली ऋषि जी की है, तो देखते हैं हम लोग सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं। अभी तो फिलहाल हम लोगों ने कम से कम 8 लॉटरी काट दी, हम देखते हैं कौन कौन काटता है और हम ये पूरा कर पाते टारगेट। दरअसल हमारी जो टिकटें हैं वो सब बिक चुकी है और हमारी सक्सेसफुल की पार्टी में एक छोटी सी ट्रीट जूस के साथ। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन।